मूवी की स्टार्टिंग मैक्स नाम की लड़की से होती है जो अपनी कार में बैठकर एक मूवी देख रही थी जिसमें उसकी मॉम अमांडा ने एक्टिंग करी थी, यानी उसकी मॉम 1986 की एक्टर थी। तभी उसकी मॉम वहां आती है और वो दोनों अपनी राइड को एंजॉय करते हुए जा रहे थे, पर तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मैक्स की मॉम अमांडा की मौत हो जाती है। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैक्स अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक कॉफी शॉप पर बैठी थी। उसके फ्रेंड्स का नाम गैटी और क्रिस होता है, पर तभी वहां गैटी का भाई डंकैन वहां आता है और वो बताता है कि आज रात मैक्स के मॉम की मूवी थिएटर में लगी है। अब सभी उस मूवी को देखने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन मैक्स वहां से बिना कुछ बोले चुपचाप जाने लगती है। तभी उसके फ्रेंड उसके मॉम के बारे में बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि इतने टाइम बाद तुम्हें अपनी मॉम को पर्दे पर ही लेकिन देखने को तो मिलेगा। उनकी बात सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और मूवी के लिए रेडी हो जाती है। उसी रात वो सभी मैक्स, गैटिक, डंकैन, क्रिस और उसकी फ्रेंड विकी मूवी देखने जाते हैं। वो शो पूरा फुल था, सारी टिकट्स बिक चुकी थी। मूवी स्टार्ट होते ही सभी लोग बहुत एंजॉय करने लगते हैं और उसी एंजॉयमेंट में एक आदमी के हाथ से एक वाइन की बॉटल गिर जाती है और वो गिरते हुए पर्दे तक पहुंच जाती है जिससे कि पूरे हॉल में शराब फैल जाती है। उसी हॉल में एक आदमी सिगरेट भी पी रहा होता है, पर तभी सिगरेट की एक चिंगारी शराब के ऊपर गिर जाती है जिससे कि पूरी हॉल में आग लग जाती है। सभी आग के डर से घबरा कर वहां से भागने लगते हैं, पर तभी मैक्स को एक बड़ा सा चाकू मिलता है जिससे वो मूवी के पर्दे को काट कर वहां से अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाती है और वो इसी के साथ बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब उन्हें होश आता है तो वो सभी अपने आप को जंगल में पाते हैं जिससे कि उन्हें बहुत हैरानी भी होती है। पर तभी कुछ देर बाद वहां एक वैन आती है और वैन में बैठे लोगों को देखकर वो और भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो वही लोग थे जो मूवी के कैरेक्टर्स थे। वो उन्हें लिफ्ट भी ऑफर करते हैं लेकिन वो इतने शॉक में होते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर 92 मिनट्स बाद वो वैन फिर आती है और उन्हें फिर से लिफ्ट ऑफर करती है लेकिन वो फिर मना कर देते हैं। और तब उन्हें समझ में आता है कि वो जब पर्दे में से बाहर जाने के लिए निकले थे तो वो उस मूवी के अंदर चले गए थे। और तीसरी बार जब वो वैन फिर से आती है तो वो सभी इस बार उसमें बैठ जाते हैं, पर तभी पीछे से अमांडा की आवाज आती है। उसे देख मैक्स काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे अपनी मॉम की याद आती है। फिर वो अपने पार्टी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, उन्हें वहां पार्टी करनी थी तो वो मैक्स के दोस्तों को भी इनवाइट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें तो सब पता होता है कि जहां वो जा रहे हैं वहां से वापस वो लोग नहीं आने वाले क्योंकि वो एक सीरियल किलर का एरिया है और उसे पसंद नहीं कि कोई अनजान लोग वहां आकर पार्टी करे। तो वो सभी वहां से भाग जाते हैं। भागते हुए वो जंगल में एक कपल को देखते हैं जो कि किस कर रहे थे, पर तभी वहां वो किलर आता है और उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। ये देख मैक्स और उसके दोस्त वहां से भागने लगते हैं, लेकिन डंकैन को लगता है कि ये तो मूवी का सीन है पर हम इसका पार्ट नहीं है तो ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो वो उसके पास जाकर एक पिक क्लिक करने लगता है, तभी किलर उसके पीछे से भाला फेंकता है जिससे कि वो वहीं पर घायल हो जाता है और वो सब अब वहां से भागने लगते हैं। पार्टी वाली प्लेस पर जब वो लोग वापस आते हैं और सोचते हैं कि वो किलर लोगों को क्यों और कब मारता था, तो वो बताते हैं कि जब भी कोई फिजिकल होता था तो वो किलर उन्हें मार देता था। इसका मतलब उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी कपल अकेले में साथ ना रहे और ना फिजिकल हो सके। और तभी हम वहां एक लड़की पोला को आते देखते हैं। ये मूवी की मेन कैरेक्टर थी जो एंड में उस किलर को मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर उस किलर की बात करने लगते हैं और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और उसी के साथ मैक्स और उसके दोस्त भी फ्लैशबैक में चले जाते हैं और वहां वो उस किलर को देखते हैं जिसका नाम बिली होता है। जब वो छोटा होता है तो कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे थे, उनसे बचने के लिए वो एक लड़की के छोटे से रूम में छिप जाता है लेकिन उसमें ऊपर स्पेस होता है तो वो बच्चे एक बॉम्ब जलाकर उसे वहां फेंक देते हैं जिससे कि उसका फेस पूरी तरह जल जाता है। और अपने फेस को छिपाने के लिए वो एक मास्क बनाता है और उसे पहनकर वो अपना बदला लेने जाता है और एक बड़े से चाकू से उन सभी बच्चों को मार देता है। मैक्स और उसके दोस्त भी वहीं खड़े होते
करते हैं तो मारने के समय की खून की बूंदें गैटी के फेस पर भी आ जाती हैं और तभी फ्लैशबैक हट जाता है। गैटी के खून से सने फेस को देखकर अमांडा और उसके दोस्त डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। वो अपनी कार में बैठकर भाग ही रहे होते हैं तभी उनके सामने डंकैन आ जाता है और कार और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि डंकैन तो मर जाता है और कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे कार सीधा एक पिलर से टकराती है, जिससे कार तो कार के बाहर गिर जाता है लेकिन पोला कार में ही रह जाती है और तभी कार ब्लास्ट हो जाती है जिससे कि पोला मर जाती है। और अब परेशानी वाली बात थी क्योंकि पोला की मौत से मूवी पूरी तरीके से पलट गई है, क्योंकि पहले पोला ही इस मूवी की लोन सर्वाइवर थी, अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो वो लोग अमांडा और बाकी सभी को अपनी सच्चाई बता देते हैं कि वो तो इस मूवी को देख रहे थे और कैसे देखते देखते अंदर आ गए, लेकिन अमांडा और बाकी लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। फिर वो सभी मिलकर बिली यानी उस किलर को मारने का प्लान बनाते हैं, जिसमें मूवी के कैरेक्टर भी उनका साथ देते हैं। तभी क्रिस उनसे कहता है कि उन्हें एक पार्टी करनी होगी जिससे कि बिली वहां आने पर मजबूर हो जाए और जैसे ही वो आएगा तो वो उसे मार देंगे। सभी क्रिस के प्लान के अनुसार जाल बिछाने लगते हैं और तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स अकेले में अमांडा से बात कर रही होती है। वो उसे बताती कि उन दोनों का फ्यूचर में क्या रिलेशन है और जैसे ही किलर मारा जाएगा तो वो उन्हें अपने साथ इस मूवी के बाहर लेकर जाएगी। उसके बाद वो पार्टी स्टार्ट करते हैं और टीना डांस करने लगती है। गाने की आवाज सुनकर किलर वहां आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पास आ रहा था तो टीना डरने लगती है और जैसे ही वो भागती है तो वो गिरकर अपने ही बिछाए जाल में फंस जाती है और वो मर जाती है। और फिर जैसे ही किलर अंदर आता है तो क्रिस डोर क्लोज कर देता है और ऊपर से वो रस्सी को काट देते हैं और उससे एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा बंधा था जो सीधा किलर को जाके लगता है और वो डोर पर जाके लटक जाता है, क्योंकि उन्होंने वहां नुकीली लकड़ियां लगा रखी थी इसलिए वो किलर के लग जाती हैं। उन्हें लगता है कि वो मर गया, लेकिन तभी ब्लैक उसे चेक करने जाता है, पर तभी किलर को होश आता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है जिससे वो सीधा उसको मार देता है। उसके बाद मैक्स और क्रिस उसे जलते हुए तीरों से मारते हैं और ऊपर की तरफ भाग जाते हैं, जहां दो लोग पेट्रोल की बाल्टी को पकड़कर बैठे थे, लेकिन जब किलर वहां आता है तो वो बाल्टी अटक जाती है और किलर उन दोनों पर हमला कर देता है। वो उन दोनों को मारने ही वाला था कि तभी उनमें से एक अपना दिमाग लगाकर उस पेट्रोल में आग लगा देता है और तभी वहां एक ब्लास्ट होता है, लेकिन किलर वहां से कूदकर अपनी जान बचा लेता है और फिर वो क्रिस, मैक्स और अमांडा का पीछा करने लगता है। वो पीछा करते हुए क्रिस पर हमला कर देता है। मैक्स क्रिस को संभालती है, पर तभी किलर अमांडा को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद मैक्स क्रिस को एक शांत जगह पर बिठाकर अपनी मॉम को बचाने के लिए चली जाती है। उस किलर ने उसकी मॉम को एक घर में बांध कर रखा था। मैक्स वहीं पहुंच कर अपनी मॉम को छुड़ा ही रही थी कि तभी वहां किलर आ जाता है और वो मैक्स को मारने लगता है और तभी किसी तरह अमांडा मैक्स को जाकर वहीं ले जाती है जहां क्रिस था और वो उससे कहती है कि मूवी की एंडिंग में बस एक ही बच सकता है और क्रिस भी ज्यादा खून बहने के कारण मर जाता है। अब मैक्स को बचाने के लिए अमांडा अपने आप को उस किलर को सौंप देती है और वो उसे मार देता है। अपनी मॉम को अपने सामने मरता देख मैक्स को गुस्सा आ जाता है। वो उसके पास पड़ा एक चाकू उठाती है और किलर से लड़ने के लिए जाती है और उसका गला काट देती है। उसके मरते ही मैक्स और उसके बाकी सभी दोस्त जिंदा हो जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो सभी अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनके जो चोट लगी थी उसके निशान अब भी उनके शरीर पर उसी जगह थे। इसका मतलब वो कोई सपना नहीं था और उनके साथ ये सब असलियत में हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस ये थी हमारी आज की मूवी। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू एंड बाय बाय।